बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस सीजन 12 के इस वीकेंड का वार में सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत आए हैं अपनी फिल्म केदारनाथ के प्रमोशन के लिए। इस प्रमोशन के साथ साथ वो घर वालों से मुलाकात भी करते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक टास्क भी देते हैं। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सारा और सुशांत घर वालों को एक टास्क देते हैं। इसके लिए घर के बाहर गार्डन एरिया में लगाया गया है एक स्पिनिंग व्हील, जिसमें सारा और सुशांत घर वालों से पूछते हैं कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब देते हुए घर वालों को एक सदस्य का चुनाव करना है। उस सदस्य को स्पिनिंग व्हील पर बांधा जाता है और फिर उन्हें घुमाया जाता है कंटिन्यूअसली, और साथ ही वहाँ पर रखे गए हैं पानी के गुब्बारे, जहाँ पर घर वालों को उन पानी के गुब्बारों को उस सदस्य पे मारना है। सारा घर वालों से ये सवाल पूछती है कि इस घर की आफत, तबाही और तूफान कौन है। फिर सारे घर वाले नाम लेते हैं सुरभि राणा का, ये कहते हुए कि बेवजह की लड़ाई झगड़ा ये करती है, फालतू का प्रपोक ये करती है। जसलीन ये कहती है कि इनकी वजह से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यही सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सोमी खान भी यहाँ पर उन्हीं का नाम लेती हैं कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों से काफी हंगामा मचा के रखा है। रोमिल कहते हैं कि गलत गेम खेल रही है और गलत लड़ाइयाँ करती हैं। घर वालों ने यहाँ तक ये भी कहा कि घर में लड़ाई झगड़े के अलावा इसका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, यहाँ पर ये सिर्फ लड़ने झगड़ने आई है। और इसके बाद फिर सुरभि राणा स्पिनिंग व्हील पर जाती है और फिर वो घर वाले जिनके साथ सुरभि राणा का 36 का आंकड़ा है, वो उन पानी के गुब्बारों को उठाते हैं और फिर लगातार उन पर वार करते हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।